विवादों में भी इतना बेफिक्र वही रह सकता है जिसने जिंदगी की कड़ी धूप बर्दाश्त की हो। मकबूल फिदा हुसैन तो कड़ी धूप में पथरीले रास्तों पर चलकर शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे थे। 96 फुट की मजदूरी पर फिल्मी पोस्टर बनाने वाले दिन उन्हें तब भी याद थे जब उनकी एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकने लगी। मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें MF हुसैन के नाम से भी जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय चित्रकार थे। वह मशहूर द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। भारत का पिकासो कहे जाने वाले हुसैन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं सदी के सबसे प्रख्यात और अभिज्ञान भारतीय चित्रकार थे। हुसैन को मुख्यतः उनके चित्रकारी के लिए जाना जाता है, पर वे कला की दूसरी विधाओं जैसे फिल्मों, रेखचित्रण, फोटोग्राफी इत्यादि में भी पारंगत थे। हुसैन इनके कुछ कृतियों के कारण बहुत विवाद भी उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने कई चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को गैर पारंपरिक तरीके से दर्शाया। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। सन 1967 में उन्हें थ्रू द आईज ऑफ अ पेंटर के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म मिला। 2004 में उन्होंने मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज नामक फिल्म भी बनाई, जिसे कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया। भारत के सबसे विवादित व मशहूर पेंटर और विश्व प्रसिद्ध आर्टिस्ट MF हुसैन, इनका जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले की चंद्रभागा नदी के किनारे बसे खूबसूरत कस्बे पंडरपुर में हुआ। मकबूल जब मात्र 1.5 साल के थे तब उनकी मां गुजर गई। इसके बाद उनके पिता इंदौर आ गए। मकबूल भी 20 साल की उम्र में मुंबई के प्रसिद्ध JJ आर्ट्स कॉलेज पढ़ने चले गए। यह उनके अंदर का चित्रकार निखर कर सामने आया। करियर के शुरुआती दिनों में वह फिल्मों के पोस्टर होल्डिंग्स डिजाइन कर पैसा कमाते थे। MF हुसैन, इन्होंने सिनेमा पेंटिंग के चित्रकार के रूप में अपने पेंटिंग करियर की शुरुआत की थी। 1930 के दशक के आरंभ तक हिंदी सिनेमा प्रति वर्ष करीब 200 फिल्मों का निर्माण कर रहा था। इस दौरान विज्ञापन बाजार में नामी पेंटर्स की जरूरत महसूस हुई। MF हुसैन, इन्होंने इस अवसर का इस्तेमाल अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया। यह वो समय था जब इन्होंने एक खिलौना कंपनी के लिए भी काम करना शुरू किया था, जहां उन्होंने कुछ नए खिलौने डिजाइन किए और बनाए। इनके पेंटिंग्स की लोकप्रियता दुनिया भर में इतनी थी कि फॉर्ब्स पत्रिका ने उन्हें पिकासो ऑफ इंडिया नाम दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि MF हुसैन दुनिया के नामी पेंटर्स में से एक थे, लेकिन उनका पेंटिंग करियर विवादों से भरा रहा था। उन्होंने कई प्रसिद्ध हिंदू देवी देवताओं की न्यूड पेंटिंग्स बनाई थी, जिससे देश के बहुसंख्यकों में क्रोध होना स्वाभाविक था। इन विवादित पेंटिंग्स के कारण कई हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धर्म को अपमानित करने संबंधित FIR दर्ज की थी। कुछ लोगों ने गुस्से में उनके घर पर भी हमला किया था, जिसके बाद उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। MF हुसैन पहले ब्रिटानी नागरिक बने और फिर उन्हें साल 2010 में कतर ने नागरिकता दे दी थी। 9 जून 2011 को 95 वर्ष की उम्र में विवादित आर्टिस्ट MF हुसैन, इनका निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी MF हुसैन, इनकी बायोग्राफी और उनकी जीवनी। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।